السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز ناظرين حضرات وخواتين سامعين وسامعات مشاركين ومشاركات मौजूदा हालात में मुसलमानों की क्या जिम्मेदारियां होना चाहिए उसके पहले किस्त और पार्ट वन के तौर पर चंद बातें आज के इस दरस में हम आपके सामने बयान करेंगे अल्लाह तबरको तूरत सूरत इमरान में फरमाया फ़रमायानसुरकुम फलाबलकुम वहींख़ुलकुम फ़मंदुरुम मुमबाद वाल फल तवक्मिन ये आयत ग बद्र अहद के तस्करे के बाद अल्लाह तबारक तरान बयान फरमाया आप जानते हैं कि बदर में माशा मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की थी लेकिन ग़ब अहद में एक अनजाने में रसूल अक्रम सम की हल्की सी हल्की सी आ, मुखालफत की वजह से हल्की सी जो है नाफरमानी की वजह से जीती हुई जंग मुसलमानों ने हारी थी इसीलिए अब्दुल मोहसिन अल अब्दुलमुहसिनकासिम हबीज़ूल्ला इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु सल वसल्लम कहते हैं गज्व तोहदिन कहते, कहते हैं कि फ़त हजीम कहते हैं कि उहद असल में फतेह है वो शिक्ष नहीं है तो में कामयाबी और हद में नाकामी का जो आर्जी तौर पर मुंह देखना पड़ा था उन दोनों का तस्करा करने के बाद अल्लाह तबारक व ताली ने मुसलमानों को बड़ा बेहतरीन सबक़ पढ़ाया अल्लाह ने फरमाया फरमायान अल्लाह फला लकुम याद रखो मुसलमानों दुनिया के किसी भी कोने में हो तो इसको सुन सकते हो अल्लाह ताला अगर तुम्हारी मदद करे दुनिया का कोई भी आदमी तुमको मगलूब नहीं कर सकता और अल्लाह तबारक तआला वहाँ फरमाता है वहीं कुम अगर वो तुम्हारा अगर वो तुम्हें बेयार व मददगार छोड़ दे फमन लजी यंसुरुकुम मिन दी कहा कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे और मोमिनों को अल्लाह तबारक वाली ही पे भरोसा करना चाहिए इब्न इबन रही इस तबसे में क्या कहते हैं इज़ा इद्दरल्ला नसरकुम फ़िन अगलब महद अल्लाह ताला ने जब तुम्हारे लिए नुसरत और फ़तह फतः जीत मुकदर करके रखी है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं हो सकती महमा मा कानवत हु महमा कानदु दुनिया की कोई भी ताकत हो कितनी बड़ी तैदाद ही क्यों न हो मोज़ हाजरीन हजरत ख़वात देखिए इनायतों इन पर गौर करने तो सबसे पहली बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक वाली की जो कुदरत है वो कमाल दर्जे को पहुंची हुई है दूसरी बात यह मालूम होती है नुसरत इलाही के बारे में मदद के बारे में फतह के बारे में जीत के बारे में हम सब को अल्लाह तबारक व ताली पे भरोसा करना चाहिए तीसरी बात ये मालूम होती है अल्लाह ताला अगर किसी को कामयाब कर दे दुनिया की कोई चीज़ जो है उसको नाकाम नहीं कर सकती और उसी तरीक़े से अल्लाह ताला जिसको नाकाम कर दे दुनिया की कोई चीज़ को कामयाबी जो है नहीं दे सकती इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने यह बताया कि अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे तो नुसरत इलाही तुमको मिलकर रहेगी मोज़ हाजरीन हज़रत ख़वातीन इबन वसैमिन आगे कहते हैं अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर अखलास होना चाहिए तुम्हारे अंदर तोहद होना चाहिए नमाज को नमाज नबवी बना कर पढ़ो ज़क़़त को वक्त पे अदा करो बुराई से रोको माशरे में भलाई को फैलाओ अल्लाह ने आगे कहा कि वलिल्ला अंजाम जो है मुसलमानों ही का होगा लिहाजा उसबाब पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह तबारको तला पर तोल करना ये हमारे तोहैद को मुकम्मल करने की चीज़ है मौजूद हाज्रन हम इस वक्त दुनिया में जी रहे हैं तो मुसलमानों को के अंदर जो है कोई सियासी शुरूर नहीं है बस वो खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं शादी महलों में जाके जो है अपना पूरा पैसा लुटा रें तालीम पर तवज्जो नहीं कुछ नहीं हालांकि हालात से वाकिफ होना अपने अंदर ज़माना शनासी पैदा करना रसूल अलैहि वसल्लम को मुबारक हुआ है रबी अल्ल का ये महीना हमें पैगाम देता है कि हालात पर हमारे नज़र होना चाहिए इसके लिए क्या दलील है रसूल अक्रम सम फ़रमाते हैं हज़रत साबा रज़ील् की यह रवायत दा अबूदाऊद में है जिसको अल्लाबानी रहीमल्ला ने सही करार दिया है फ़रमाया लोगो तुम्हारे ऊपर एक ऐसा वाक... वक्त आने वाला है क़रीब है आज से चौदह सौ साल पहले जो बात नबी मुबारक सल्लल्लाहु वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकली आज हम देख रहे हैं की जमात, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा वक्त आने वाला है जैसा भूखा दस्तर ख़ान पर टूट पड़ता है वैसे दुश्मनान इस्लाम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे लिहाजा हालात से बेख़बरी हमारे लिए सही नहीं है गफलत वाली ज़िंदगी है चाहे वो दुनिया के मशरक़ में हो मगरब में हो कहीं भी हो मुसलमानों को हमेशा हालात से बाखबर रहना चाहिए देखो रसूल अक्रम अलैहि वसल्लम कैसे अपने सहाबा में ज़माना शनासी पैदा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेियामत के करीब आने वाले तमाम अलामतों को बताकर उम्मत में बेदारी लाई कि मोमिन बेदार मगज होना और जो हालात के हालात से वाकिफ न हो मैं तो समझता हूँ कि वह आँख रख कर भी अंधा है फरमाया फ़ैनःमलाबसार आँख अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधा होता है मदज हाजरीन ये बात यह हदीस माशा ऐसे हालात में हम पढ़ते हैं तो हमें कितनी तसली देती है जनाब महमदर रसोल्ला सल्ह वसम फ़रमाते हैं लः तज़ाल तोफ़तमिन उम्मी मनसूरी नक़ लन अमर तबाकव सही मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात रहेगी जिसको अल्लाह त नुरत मदद हासिल होके रहेगी की और दुनिया की कोई ताकत उसको जो है बेयार मददगार कर भी नहीं सकती और उसी तरीक़द जलील भी नहीं कर सकती यहाँ तक कि अल्लाह का मामला आए और उसी तरीक़े से ये अल्लाह ताला की वो जमात कौन सी है जिस पर अल्लाह ताला की नुसरत नाजिल होगी तो बाज़ाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का जिक्र फ़रमाया फ़लस्तीन का ज़िक्र फरमाया माशाल्लाह माशा इब्ने इबनिया रही कहते हैं कोई भी ज़माना तयफ़ मंसूरा से ख़ाली नहीं है माशाल्लाह हर वक्त में तारीख के किसी न किसी मोड़ पर कोई न कोई एक ऐसी जो है मदद अल्लाह तबारक वाले की हासिल होते रहेगी दुनिया की कोई ताकत मकमल तौर तो पर उसको मिटाने से त्यौरिया याद रखिए इस उम्मत को सफ़े हस्ती से कोई मिटा नहीं सकता जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वकान मकर तजू मिनहल जबाल दुनिया इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करे ऐसी साजिश करे कि जिससे पहाड़ भी हट जाए नहीं अल्लाह ने फरमाया वैरालम करीन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का निकाल रहे थे अल्लाह फरमाता है वही कुरबिकल कफ़रू कफ़र उलियुस्बित आगे फ़रमाता है वयम कुरुना वयम व तआला बड़ा बेहतरीन तदबीर करने वाला है इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे अल्ला हम करलना वालमालीना मुअज़्ज़ज़ नाजरीन हज़रात हज़रत ख़वातीन इस वक्त पूरे दुनिया के नक्शे पर हाँ अगर आप जो है नज़र डालेंगे तो हमेशा आपको मुसलमान मजलूम नजर आएगा याद रखिए आज के इस ज़माने में मुसलमान किन किन एहसास का शिकार है वो बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले आज बंदा जब हालात को देखता है तो बड़ा मायूस हो जाता याद रखिए किसी भी मुल्क में हो आप अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए जैसा कि अल्लाह ने फरमाया ला तखना तो महमत ला

अल्लाह की रहमत से मायूस होने अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला गुमराह होता है लिहाजा हालात को देखकर हमें हर्रा बराबर भी मायूस नहीं होना चाहिए क्यों इसलिए कि मायूस शैतान की तरफ से आती है और इंसान को जीने का हौसला भी मुकम्मल तौर तो पर ख़त्म कर देती है पहली बात दूसरी बात ऐसे वक्त में कुछ लोग अल्लाह तबारक व ताल बारे में बदगुमानी करते हैं कैसे करते हैं जैसा कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में कहा व तज़् व्नु न जाहिलिया और ग़ज़वे उहद में फरमाया व तज़ुनु न बिल्ला ऊना हालाँकि अल्लाह के नबी फरमाते बंदा मेरे साथ कैसा गुमान करता कि मैं वैसे ही उस सत मुकम्मल तौर पर गुमान करूँगा लिहाजा मालूम होता है कि अल्लाह तबर्क व ताली के साथ बदगुमानी करना गुनाह कबीरा है आज कुछ लोग सोचते हैं अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बेर व मदद कर क्यों छोड़ दिया है अल्लाह अकबर एक, एक मोमिन की ज़बान में एक मोमिन के दिल में और एक मोमिन के जहन में यह आना ही नहीं, नहीं चाहिए तीसरी बात हालात का ग़लत तज्जिया भी हमें नहीं करना चाहिए याद रखिए बग़ैर तहकीक़ के बातों को फैलाना भी नहीं चाहिए और साल फ़ज़ान हबीब्ल बड़ी अच्छी बात कहते हैं वो कहते हैं मुसलमानों पर कहीं भी जुल्म हो तो मुसलमानों की मजलूमियत की दास्तान को तस्वीरों की शक्ल में सोशल मीडिया पर हरगिज़ नहीं फैलाना चाहिए इससे क्या होता है आ, हमारी जो है हौसले टूटते हैं और दूसरों को मौका मिल जाता है नहीं ऐसी डरावनी तस्वीरें हरगिज़ शेयर ना करें तो इस मुल्क में रहते हुए हमारी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए इन शो अब चीज़ हम शुरू करते हैं सबसे पहली बात अगर मैं शुरू करूँ आ, हिंदुस्तानी मुसलमानों को सबसे पहले अपने अकीदे को दुरुस्त करना होगा याद रखिए अल्लाह में अकबाल ने आज से पचास साल पहले जो बात कही माशा बड़ी सही बात कही थी फरमाया तोद की अमानत सीनों में है हमारे आसान नहीं मिटाना नामो नशा हमारा जब तो जब तक तोहद बाकी है उम्मत मुस्लिम बाकी है जब तक ला अला कहने वाले हैं क़ियामत नहीं आएगी जैसा कि नबी करीम सम ने फ़रमाया तो मजमु तौर पर सारे मुसलमानों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान अपने अवला जो है अदे और ईमान को दुरुस्त करें आज हम देखते हैं कि मुसलमानों की आबादी का तकरीबन 80 से ज़्यादा फीसद हिस्सा जो है शिक्क का शिकार है कुछ बातें आपको बताते हैं अलामा बिन बाज़ रही मिला कहते हैं कि तोहद इस्लाम की बुनियाद है जिसने इन दोनों को आ, लिया अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी उठाएगा उसकी खबर भी सही है और आखिरत में भी अल्लाह तबर ऊंचा उठाएगा और जो अल्लाह पर ईमान रसूल अलैहि वसल्लम की नबूत और रिसालत पर ईमान नहीं लाएगा इस कलीम में जो है शहादत को कलीम तयबा को अगर ज़ाया करेगा वो दुनिया में भी ज़ाया होगा ख़बर में भी ज़ाया होगा और आखिरत में भी ज़ाया होगा इबन ओसैमिन बड़ी अच्छी बात कहते हैं ला तिमिलान दा तो कहते हैं बंदे की तोहैद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वो दूसरों को नहीं बताता देखिए पूरे दुनिया में मुसलमान खुद हिंदुस्तानी मुसलमान इस वक्त बड़े घाटे में हैं अल्लाह ने बात जो है जो है सूर आसर बयान फरमाई कहा वल इन आसरसानद इदीन आमनो इस खसार मादी खसारे से तो बहुत जल्द हम निकल जाते लेकिन ये जो मानवीय और दुनियावी उखरवी खसारा है ना इस खसारे से निकलना हो सबसे पहले ईमान लाओ और जो है उस पर जमे रहो और उसकी तरफ बुलाओ और उसी तरीक़े से तोहद जो है हमारे लिए बड़ी सरबलंदी का बास है अल्लाह तबारक ताली ने सुर बनी इसराइल में ल तज अलमान आखिर के आखिरी में कहा मजमूम मखजूला याद रखो अगर तुम तो को छोड़ दोगे क्या होगा अल्लाह के पास अल्लाह के अला की अलिया के पास बैयार मददगार छोड़ दिए जाओगे और मखलूला का मतलब इबन वसैमिन कहते हैं फिर दुनिया में वाला याद रखो उम्मत मुस्लिम बैर व मददगार उस वक्त होगी जबकि वह तो को छोड़ेगी शिर की दलदल में फंसेगी अगर वह जो है तोहद को अपना लेती है तो अल्ला तबारक वाली उसे दुनिया में भी इज्जत देगा और ख़बर में और आखिरत में भी जैसे कि फरमाया ये इस बतीन बिल्कुल दुनिया याद रखिए, शिरक की वजह से जिल्लत भी आती है अल्लाह का गुस्सा भी उतरता है जैसा कि अल्लाह ने बनी इसराइल के बारे में कहा सयानालहुम मिन तख़ल व जिल्लत फिल हयात दुनिया बछड़े को मबूद बनाए तो अल्लाह का गुस्सा भी उतरा और वह जो है दुनिया में जलील भी हुए मैदान तीह में चालीस साल अल्लाह तिराया उनको अल्लाह अकबर और अल्लाह का गुस्सा जिस पर उतर जाए वह कौम कभी सर उठा के जी नहीं सकती क्या दुनिया में बाकी नहीं रह सकती अल्लाह ने फ़रमाया व मई गदबी फकद हवा आज हिंदुस्तानी मुसलमान शर्क में पढ़ा हुआ है और शर्क की जड़ें बड़ी मजबूत नज़र आती हैं जब तक हिंदुस्तान में मज़ारात खान खाएँ आस्थाने ये अलिया के ऊर्ज़ ख़त्म नहीं हो से उस वक्त तक हिंदुस्तान में अमन आना और इज्जत की जीना बिल्कुल नामुमकिन है मैं तो मोटे ज़बान में ये कहता हूँ शर्क की वजह से उम्म थर्माकोल की तरह बेवज़न होकर रह गई है मोजा हाजरीन सूर फातिहा में पढ़ते अय्ला उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम फरमाया नबी मुवाहिद थे तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों अल्लाह के गुस्से का शिकार हुए इसलिए शिर्क था जालीन क्यों इसलिए उनके अंदर भी जो है अकेले की खराबी थी लिहाजा गैरूबिया कहकर बंदा शिरक में पढ़ता है मुझे बात समझ में नहीं आती याद रखिए आज दुनिया में जो भी फसाद है यह शिर की वह से अल्लाह ने फरमाया लूका नफी हिमात याद रखिए कुफ्र शिरक ये इंसान को तबाह कर देता है जैसे कैंसर आए तो इंसान कैसे घुल जाता है वैसे शिरक की वजह से उम्मत का पूरा जिसम जिसम छलनी है याद रखिए शिरक को रखते हुए आप हालात का कर मुकाबला नहीं कर सकते तोहद अगर है आप हालात का मरदाना वार मुकाबला कर सकते हैं अल्लाह तूरतुलमुनाफिकीन में फरमाया दिल में कुफ़ुर रख ले को जबान से ईमान का दावा कर ले को चुपके जो है डबल गेम खेलने को थे ज़र्रा भी क्या भी आवाज़ आई तो यह सबू न कुल्ल स नाली हर छोटी चीज़ को बड़ा बना लेते हैं तो आज हम देखते हैं कि कुफर शर की वजह से मुसलमानों के अंदर से क्या है हिम्मत ख़त्म होती जा रही नहीं अपना अक़दा बनाओ तो सहाबा जैसा बनाओ अगर तुम हिदायत के रोशन सितारे बनना चाहते हो तो मनहज साहबा को लाजिम पकड़ो अल्लाह ने फ़रमाया फ़ैन आमनो बिम स्लिमा आमन तुम बिहि फ़क्रो वन तवल फ़ैन नमाफ़ी शक़ा फ़सफ़ी कह वसमलीम यह शर्क ने आज सारी दुनिया को उजाड़ के रख दिया है सच फरमाया था रसूल अलैहि वसल्लम ने ला तस्तु तक कबान उम्मति बिलमुशिन अल्लाकबर ये जब देखते हैं तो सही मालूम होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत कियामत उस वक्त तक नहीं आएगी जबकि मेरी उम्मत कुफ़ार मुश्किन से जा मिलेगी इब्न वसैमिनी मिला कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी नबीम ने इस हदीस के बारे में जो पेशन गोई फरमाई कहा जिस्मानी तौर पर फ़िक्री तौर पर ज़हनी तौर पर उम्म मुस्लिमा आज मुशरिकीन से मुकम्मल तौर पर जाकर मिल रही है और और जो है उन चीज़ों को उन हदीस को पढ़ते मालूम होता है अल्लाह के नबी सली वम ने फरमाया मुसलमानों के मुल्क में भी जो है नौजुबिल्ला जो है बुतों की पूजा होगी लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जाकर जो है यहूद नसारा किसी बिल में घुस जाएंगे तो उम्मत मुस्लिमा अंधी बनकर जाकर गिर जाएगी आज हम देखते हैं कि उम्मत का बूढ़ा उम्मत के अधेड़ लोग जवान औरतें बच्चे बूढ़े लड़कियां, बच्चे इन तमाम हर तबका ज़िंदगी में अक़ीदे को दिलों में पैवस करने की ज़रूरत है हमारा अल्लाह पे तोल अल्लाह पे ईमान जबल अहुद की तरह होना चाहिए याद रखो कुरान में अक़ीदा तलाश करो कुरान कितना पढ़ते नहीं आप कुरान में आकैदे को तलाश करो मक्की सूरतों में अल्लाह तबारक ताली ने मुसलमानों की तारीफ़ फरमाई कहावी क़ालो रब्ल हु मुल्क हिंदुस्तान में रहते हुए अपने तोहीद को मजबूत करो और याद रखो तोहद के मामले में किसी से कोई कॉम्प्रमाइज़ भी और सुलह नहीं होना चाहिए नबी करीम सल्ह वसलम ने हजरत मुआज़ बिन टबल रजी अल्लाह से कहा था ला तशरक बिल्ला वन कुलता अल्लाह हु अकबर क्या तालीम दी अल्लाह के नबी ने मुआज, तुम अल्लाह के साथ हरगज शिरक न करना अगरचे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या तुमको जला कर खाकिस्तर कर दिया जाए लिहाजा रसूल अक्रम सम सुबह सवेरे उठ कर फजर की सुन्नत पहली रक़त में सुर काफिन पढ़ के अपने अखीदे को मजबूत करते थे मुसलमानों अपने अखीदे को मजबूत करो और दूसरे रक़त में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलास पढ़ते थे मगरिब की सुन्नत में पढ़ते थे सोते वक्त में सुर काफी पढ़ के अपने अकीदे को दुरुस्त करते थे तो लिहाजा इससे हम पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तौहीद को मजबूत करना है तो सारी तहरीकें तंजीमें जितनी जमातें मुसलमानों में हैं तमाम को हम आवाज़ देते हैं कि ये अपने अकीदे तौहीद को मजबूत करो के व तालिबात से हमारी गुजारिश है कि जो भी उम्मत में तबका शिरक में पड़ा हुआ है दलदल में फंसा हुआ है <Mile God of MandyMoment> शर्क से निकालो उसे जब तक तोहद को नहीं अपनाओगे दुनिया में इज्जत नहीं पाओगे बल्कि करें खाते रहोगे अभी ज, नहीं अभी नहीं समझोगे तो कब कौन सा वक्त आएगा लिहाजा तोहीद ये किसी ख़ास जमीयत व जमात के का ताल्लुक नहीं है बल्कि अकैद तोहद वो तोहीद है जिसको अपना कर माशाला हज़रत आदम से लेकर जनाब महमदील्ल वसम तक तमाम नबियों ने हालात का डट कर मुकाबला किया इस गुफगु को हम यहीं रोकते हैं बताना ये चाहते हैं कि तोहद ही में हमारी इज्जत है तोहद की अमानत सीनों में है हमारे ये तो की अमानत जब तक हमारे सीनों में रहेगी ना हमारे इस दिल में अल्लाह का डर अल्लाह का ईमान मजबूत रहेगा ना माशा हम दुनिया में इज्जत की ज़िंदगी जी सकते हैं आसान नहीं मिटाना निशा हमारा अलाबाल ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर इज्जत चाहते हो सरबुलंदी चाहते हो और जो है बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हो खुशगवार गवा जिंदा गुजर जानना चाहते हो तोहद को अपनाओ माजी में भी नबी करीम सल्ह व मन अबू बकर उस्मान अली इन तमाम लोगों ने तोहद को अपनाया तो माशा उम्मत कहाँ इज्ज़त से जीते रही आज अब तोहद को छोड़कर शिरक में पड़े हुए हैं इसलिए बेइज्जत हो रहे हैं इन इसकी दूसरी किस्त के तौर पर मंगल के दिन रात में नौ बजे फिर यह प्रोग्राम होगा अल्लाह तबारक वाली सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने अकायद की असलाहें तोफी अदा फरमाए जो भी हैं जो भी तलबा वालीबा मदारस में पढ़ रहे हैं अल्लाह ताली उन सब को अपने जो है आवाम के दरमियान अकीदे की असलाह तोफ़ी अद फरमाए आमी रब हिंदुस्तानी मुसलमानों में से तकरीबन 80 सेदा फ़ीसद जो है तेरे दर से हटे हुए हैं तोद से महरूम है अल्लाह उन सबको तोहहीद की दौलत से मालामाल फरमा और तोहद की वजह से हमें दुनिया में कब्र में और आखिरत के ज़िंदगी में हमें कदमी नसीब फरमा अल्लाह मैया मकलबुलकरलूब सबलब अला दी अल्ला मैया मुशर वलुभ शरुफ़ कलूब तो आतिक व आखिरदिल्ल रब्बिन आलमिन